हम लोग कोई उसके माँ बाप नहीं है, हमने तो उसे गोद लिया था। और जब हमें पता चला कि वो मोनू कितना इरिटेटिंग है, तो फिर एक भाविक नाम के आदमी को हमने बेवकूफ बनाकर उसे उसके साथ भेज दिया। और मोनू का तो नाम भी मत लेना हमारे सामने, हमें नहीं चाहिए वो शैतान बच्चा। अरे चुप रहिए आप दोनों, आप लोगों को। ए भाई साहब, आप गुस्सा क्या दिखा रहे हो? अगर तुम्हें मोनू से इतना ही प्यार है तो खुद ही उसे गोद ले लो ना, लेकिन वापस उसे हमारे पास मत लेकर आना, समझे? आप तो उसके लायक नहीं हो। पपीता, थैंक यू सो मच। आज आपके एक झूठ ने हमें बचा लिया, ये आप ले लीजिए प्लीज। वो तो अच्छा हुआ सबसे पहले हमें हनुमान सोसाइटी ही मिल गई। अब इससे पहले घर में और कोई तमाशा हो, चल जल्दी से चलते हैं यहाँ से। थैंक यू। क्या हुआ अंकल, हम वापस क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे माँ बाप घर पर नहीं थे। तो फिर आपको इतना टाइम क्यों लग गया? पड़ोसी से पूछताछ कर रहा था कि वो कहाँ पर है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, इसका मतलब हम बच गए। अभी तो बहुत जोर से डांस करने का मन कर रहा है। खिलौना समझ रखा है कमीनों ने, दिल भर गया तो उठा के फेंक दो। ए फॉर अखिलेश। और कह रहे थे कि बच्चा बदतमीज है। अरे इतने प्यारे बच्चे की अच्छाई नहीं नजर आती उन्हें? खैर अब मैं भी क्या कर सकता हूं, पता नहीं अम्मा सुनेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। ए मंस बिटवा, काहे परेशान लग रहे हो? ओए मोए, मोनू आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुल्लू तुम दोनों कहाँ थे? मोनू, वंश, ऊपर जाओ। क्या हुआ? थैंक गॉड मिश्री तुम बच गई, लेकिन वहां के लोगों ने क्या कहा? अरे तुम चलो तो सही, बताते हैं। कीड़े पड़े ऐसे लोगों को जो हमने मोनू को शैतान और बदसूरत बोले। अरे प्यारे से बच्चे को संभाल नहीं सकते। अरे हमरा मोनू हीरा है, हीरा। वो दूसरे बच्चों जैसा नहीं है, बहुत संस्कारी। अरे वो तो हमारी आरती के लिए रोज फूल लेकर आता है, सबको हंसाता है, सबका दिल जीत लिया है उसने। आजकल के बच्चों में इतने संस्कार देखे होगा, ये बहुत संस्कारी बच्चा है हमरा। कोई एक नन्ही सी जान को मुझसे कैसे अलग कर सकता है? Oh my God, हम भी तो उस नन्ही सी जान को घर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो बेचारे मोनू को पता भी नहीं होगा, नहीं तो उनका दिल टूट जाएगा। हम भी तो समझ में नहीं आ रहा बंस, क्यों आंटी हमारे बारे में कैसे बोलने लगी?
क्योंकि मैंने उसे कहने के लिए कहा था। थैंक यू ऑफ कोर्स। ये पार्टी शानदार होगी। ये पार्टी दी किसने? देवीना पांडे, बीपीएन सन्स की इकलौती वारिस। नो नो पिक्चर्स, चले जाइए मीडिया। नो मीडिया। ओ, मुझे नहीं पता था। This is a rain dance party. I love the rain. Oh. इस सपनों की दुनिया से बाहर लाने के लिए ये रेन डांस बहुत काम आता है। हाँ? You mad? सुबह के 6 बजे हैं और इतनी ठंड में तुमने मुझ पर पानी डाला है, वो भी ठंडा ठंडा। Are you a moron? Hey, तुम मारान, तुमरा पूरा खानदान मारान। Shut up. ए, चलो भगाबक तैयार हो जाओ। कुनी का बिटिया और हम जो है जॉगिंग के लिए जा रहे, तुम भी साथ चलो। अब प्लीज, मुझे कोई जॉगिंग की जरूरत नहीं है। का है? क्योंकि मैं एकदम सुपर फिट हूँ। अच्छा। लीव मी अलोन, आर यू क्रेजी? कम से कम 75 किलो की होगी तुम। किसी ब्रेन चेक? तुम कहीं ना चकराती? क्योंकि मेरा ब्रेन एकदम ठीक है और मेरा वेट भी बिल्कुल ठीक है। I weigh 60 kgs only. यकीन नहीं होता? आशाया, आशाया, come on. देख लो, खुद ही देख लो। फाइन। मेरा वेट तक से बढ़ गया, कब बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? हमको तो पहले से ही पता था तुमने अंदर बहुत चर्बी है। शट अप यू चर्बी की बच्ची। 10 days में ये वेट लॉस करके दिखाऊंगी। लेट्स गो फॉर दैट जॉब। यह होगा। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। Get out of my room. Start from here. Hey, Debina, jacket pehn lo, jacket. Bahar bahut thand hai. The jacket, it's jacket, jacket. Ha. गोद में सो गया था? आपकी नींद ना खुले इसलिए मैं रात भर यहाँ से हटा ही नहीं। दीपिका अंकल, मैं कितना स्ट्रॉंग हूँ, ठंड लग रही थी लेकिन फिर भी मैं हटा नहीं। अरे पागल हो गए हो क्या? अरे तुम्हें कुछ हो जाता। मोनू, 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 हे भगवान, इसका बदन तो तप रहा है। अम्मा, अम्मा चल, जल्दी से ऊपर आओ। मोनू, शाबजी, बहादुर अम्मा कहाँ है? क्या हुआ? वो माजी तो देबना मैम के साथ जॉगिंग पे गई है। पता नहीं है मोनू को। मैं गलती से इसकी गोद में सो गया था और मेरी नींद ना खुले इसलिए बेचारा हिला भी नहीं। अब उसको तेज बुखार हो गया है। समझ में नहीं आ रहा मेरी आंख कैसे लग गई। शाबजी, मोनू को तो बहुत तेज बुखार है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास इसे मैं लेकर नहीं जाऊंगा, ठीक है? डॉक्टर लव से मुझे सख्त नफरत है।
मैं एक वैद्य को जानता हूँ, मैं इसे वहां पर लेके जाता हूँ। शाबजी, मोनू का बुखार उतारना किसी वैद्य का काम नहीं है, वो हम ही काम करते हैं, वो भाविक शाबजी के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मैंने कहा ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसका इलाज करूंगा, ठीक है? डॉक्टर साहब। हाँ। गुड मॉर्निंग, वो मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, अगर आप मेरे साथ चल सकते तो बहुत अच्छा होगा। अरे अभी अभी मैंने क्लिनिक खोला है, अभी नहीं आ सकता मैं विजिट पे। अरे सुनिए। अरे यार, किसी की जान का सवाल है और आप कह रहे हो कि आप विजिट पे नहीं आ सकते? अरे तो मेरी मर्जी है भाई, मैं नहीं आ सकता इस टाइम पे विजिट पे, दैट्स इट। ऐसे कैसे डॉक्टर है आप, हाँ कैसे नहीं आ सकते? मैं लेके जाऊंगा, चलो। अरे चलो ये, अरे चलो, अरे ये अखिलेश। या अखिलेश, अखिलेश, मिस्टर अखिलेश, कौन से रूम में? कौन अखिलेश? अरे हम ना कहते थे ये पग-पग एक नंबर की झूठी है, अभी तुम का दिखा दे। क्या दिखाओगी तुम? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बोलो चेंज, आई स्वेयर। ओहो, ओ गॉड, आप इन्हें रहने दीजिए। आप प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ पर मिस्टर अखिलेश पांडे हैं क्या? मिस्टर अखिलेश पांडे, देखिए तो। ओहो अच्छा, पांडे जी, अरे तो ऐसा बोलिए ना, अभी अभी उनको कमरा दिया है, रूम नंबर 324। देखा, मैंने कहा था ना, रूम्स कहाँ है, रूम्स कहाँ है? मैम इस तरफ है। कम ऑन, कम ऑन। अभी ना, ए रुको। चलो, अरे कहाँ जाना है? 24, चलो जल्दी। हेलो हाउसकीपिंग, कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ हूँ आप लोग, मेरा रूम साफ कर दो। What? Like, seriously? मैं तुम्हें हाउसकीपिंग स्टाफ नजर आ रही हूँ। ओह सॉरी, मुझे कपड़े देख के लगा कि शट अप, ओके, ये कपड़े ब्लाइंडर है। Do you even know who I am? ये परकती है। मैं देवीना पांडे हूँ, देवीना पांडे, यहाँ की फेमस सोशलाइट, हाउ कैन यू इवन मिस मी, हु द हेल। जी 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 प्लीज, हम यहाँ किसी और काम से आए, सो लेट्स जस्ट गो, प्लीज प्लीज। ओ वांट यू सो नो, अरे चलो ना, चलो चलो देखो, चलो। थ्री टांटे फा, माय गॉड, कम ऑन ना। अरे मोरी मोरी गंगा मैया, ए मोनू बेटा, ए बेटा तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? हाँ मोरी मोरी गंगा मैया, इनका तो बहुत बुखार है। अरे ये सब कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, ये सब क्या हो रहा है? प्रहार मेरे बच्चे, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये हीरा कहाँ गायब हो गई? देखा पुष्पा, मैंने कहा था ना, ग्लू बेटा यहीं पर है और वो लड़की भी यहीं कर गई। गुल्लो ये सब कहा है, और मोनू बेटा को क्या हुआ है? हाँ हीरा जरूर वॉशरूम में गई होगी, मुझे उसे चौकन्ना कर देना चाहिए था कि वो अचानक बाहर ना आ जाए। गुल्लो हम तुमसे पूछ रहे हैं, वो क्या है अम्मा की ये मोनू की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसको वैद्य के पास लेके जाना पड़ेगा, लेकिन फिर ट्रैफिक में ऐसा फंस गया कि उसे यहाँ पर लाना पड़ा, और सोचा कि डॉक्टर से ही इसकी जांच करवा लूं। लेकिन क्यों बेटे, व्हाई द हेल आर यू स्क्रीमिंग, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मो मेरे कान बंद हो गए हैं। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जो दबीना है ना, ये कह रही थी कि ये होटल में तुम कौन लड़ी को लेकर आए हो? इट्स नॉट लड़ी बाबा, इट्स लड़ी, आई मीन इट्स लेडी, लेडी मतलब औरत। अरे लेडी लड़ी एक ही बात है, देख ली ना कि अब गुल्लू और मोनू के अलावा ये कमरे में और कौन ना ही है। देखो पुष्पा, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, आई एम 100% श्योर ग्लू बेटा एक औरत के साथ, एक लेडी के साथ यहाँ आया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे कहाँ देखे, हाँ तुम खुद देखो, परेशान आत्मा पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग में चलता रहता है, बहुत कीड़ा है तुम्हारे दिमाग में, कहीं इलाज नहीं कराती तुम। मॉम कोई नहीं,
हेलो हेलो भाविक, सुन मुझे मिश्री की बहुत फिक्र हो रही है यार। मैं नहीं चाहती कि वो अखिलेश के और करीब आए। वो जो फेक कपल उसको अडॉप्ट करने के लिए आने वाले थे, उनका क्या हुआ? हीरा, वो एक्चुअली तुझे कुछ बताना था। बहादुर जी, जी साहब जी। बहादुर कहाँ हो? बहादुर। हाँ साहब जी। बहादुर, ये बहादुर, ये क्या कर दिया तुमने? मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन तुम तो देख पा रहे थे ना। सॉरी शाबजी, ये सब क्या है? अरे ये मोनू के लिए कुछ कपड़े और खिलौने लेकर आया हूँ, सोचा उसका मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन शाबजी, ये तो मोनू को फिटने आएगा। तुम्हें कैसे पता ये फिट नहीं होगा उसे? अब उसे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा शाबजी? ओ, मैं ही तो कपड़ा खरीदता है। मोनू के लिए तुम कब से कपड़े खरीदने लगे? वो माँ, मेरा मतलब है वो मेरे भांजे भतीजे के लिए मैं ही तो कपड़ा खरीदता है, वो भी मोनू जितना ही है। तो ये उसको फिट नहीं होएगा। ओह गॉड, इसका मतलब सारे कपड़े वेस्ट। लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़े खिलौने भी लेकर आया हूँ, उसी से वो खुश हो जाएगा। शाबजी, ये खिलौना तो छोटा बसा लोग का है और मोनू बाबा तो बड़ा है, ये सब तो लड़कियों का खिलौना है। हमेशा से लड़की चाहिए थी, इसलिए ये सोचकर लड़कियों वाले खिलौने उठाकर लेकर आ गया। पर क्या कर सकते हैं, नसीब में औलाद ही नहीं है। शाबजी, कोई बात नहीं, आपने इतना प्यार से लाया तो मोनू को पसंद आएगा। सच? हाँ, चलिए मोनू को दिखा दे। चलो मिश्री, एक बार फिर से सोच लो। नायबंद, हम हमारा मन बना चुके हैं, अब तुम हमारा फैसला नहीं बदल पाओगे। मोनू बाबा, ये देखो शाबजी तुम्हारे लिए क्या क्या लाया। ये देखो, ये शर्ट, ये टेडी बेयर लाया, ये देखो एक और टेडी बेयर। टी-शर्ट लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, साइज में थोड़ा छोटा है, लेकिन एक बार ट्राई करके देखो तुम्हें फिट हो रहा है कि नहीं। मोनू, एक बार देखोगे नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ? अंकल, मुझे थोड़ा आराम करना है, आप प्लीज चले जाइए। मोनू बाबा, एक बार देखो तो शाबजी तुम्हारे लिए क्या लाया, टेडी बेयर, ये कपड़ा, खिलौना भी है। जाइए। क्या तरीका मोनू बाबा, शाबजी ने इतने प्यार से आपके लिए सब तोहफा लाया और आपने पैसे फेंक दिया। बादो रहने दो। इट्स ओके, उसकी तबीयत वैसे भी खराब है, उसको डांटो मत। गुल्लो, तुमसे नीचे कौन मिलने आया है बिटवा? चलो। मिस्टर अखिलेश जी, हम मिस्टर एंड मिसेस शास्त्री है। प्लीज बैठिए। थैंक
दरअसल हम मोनू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। अंकुल टेंडर क्लोज करो। अरे एक एक बात बार बार क्यों समझानी पड़ रही है मुझे? हाँ अंकल, एक बात कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? अरे वो टेंडर क्लोज कर दो, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। कितनी बार कहा है कि ऐसी छोटी बातों के लिए? अगर बात नहीं करनी थी तो सीधा बोल देते ना, ये बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? मैं बात करूँ या ना करूँ क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मैं माँ बाप मिल गए, जाऊँ उनके पास। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, क्योंकि वो लोग मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। कि बार बार जिम्मेदारी जिम्मेदारी क्या लगा रखा है तुमने? आपको जिम्मेदारी का मतलब नहीं पता? जिम्मेदारी का मतलब होता है बोझ, और मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। किसने कह दिया तुम्हें जिम्मेदारी का मतलब बोझ होता है? जिम्मेदारी हम उनकी उठाते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं अम्मा की जिम्मेदारी उठाता हूँ क्योंकि बहुत प्यार करता हूँ उनसे। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जिम्मेदारी का मतलब होता है बोझ। तुम्हारी जिम्मेदारी इसलिए उठाने लगा था क्योंकि कहीं ना कहीं तुमसे भी प्यार करने लगा था। अब जब तुमने फैसला ले ही लिया है ना, तो फिर जाओ अपने नए माँ बाप के पास। तुम्हारे अडॉप्शन के पेपर्स वो साइन कर देता हूं मैं। उन्हें लेकर आता हूं मैं। जिम्मेदारी उखली जाती जिससे हम प्यार करते हैं, इसका मतलब उनके मुंह कलम से प्यार करते हैं। लेकिन अब हम क्या करें, उनके मुंह का तो कागज पर साइन कर चुके हैं, और हमने बापू से भी वादा किया कि हम यहाँ से चले जाएंगे, तो कुछ नहीं कर सकते। ये लो बिटवा, ये तुम्हारे मन पसंद पराठे, मक्खन भी डाले। ये देखो बेटवा, ये माँ हमारा प्यार है। तुमने बड़ी अम्मा को भूलोगे तो ना? Even I have a gift for this cute little kid. Monu, this is for you, little kid. मेरी smiling face में मत जाओ, हाँ? वो क्या है ना कि मैं बहुत ज्यादा upset हूँ कि तुम जा रहे हो। मैं आंसू इसलिए control कर रही हूँ ताकि मेरा expensive makeup खराब ना हो जाए। In fact, आज ही मैं God से पूछ रही थी कि God, Monu क्यों जा रहा है? Actually, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जा रहे हो। So goodbye, Monu. Forever. मैं तुम्हारे गिफ्ट्स तुम्हारे बैग में रख देती हूँ, ओके? चलता हूँ डी। Bye. Have a great life. आप सबने मुझे जो प्यार दिया है, उसको मैं कभी नहीं भूलूँगा। How sweet. Oh, come on, ये तुम्हारा फर्ज था। हम किसी भी बच्चे के लिए सब कुछ कर लेते। I think अब तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हारे न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, राइट? चलो चलो, कम ऑन, चलो चलो चलो।